like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डुओ रैंक पुश वीडियो। नहीं 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 नहीं, तो गाइस हम मोस्टली खेल रहे हैं अपना रूनिक पावर वाला मैच, बिकॉज़ इसमें मुझे एंड में ज्यादा इशू नहीं होता, बिकॉज़ सांप का आपको पता है कि भाई एंड में सांप बहुत ज्यादा डसते हैं, तो मैं वॉल विल्स के थ्रू थोड़ा सा किल्स वगैरह भी निकल जाते हैं बहुत इजीली, बंदों पे पुश करना बहुत इजी होता है, तो मैं यही मैच कंफर्टेबल होता हूं तो हम यही खेलते गाइस। और गाइस दूसरी बात गाइस, तो आप रूनिक पावर में मोलो तो नहीं खेलो, बिकॉज़ आपको ना गाइस मिनिमम 10 में से 9 बंदे मिलेंगे आपको ग्लिच वाले, कार ग्लिच जैसा आपको पता है, वो कार में ग्लिच करेंगे, आपके सामने क्लोज आएंगे और आपको मारेंगे, और आप उसको एक गोली नहीं मार पाएंगे बिकॉज आप उन्होंने ग्लिच किया हुआ है, और उन्हें मारने के लिए आपको सिर्फ नेड यूज करना पड़ेगा, आपको पता है। बट हम इनका कर लेते कैसे ना कैसे, हम इन्हें मार लेते और इनका किल भी निकाल लेते। और गाइस इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि अगर ये ऐसा मारते तो इन्हें रिपोर्ट पड़ने वाला, इनका आईडी बैन होने वाला, जब बैन होगा तब इन्हें थोड़ा सा दिमाग आएगा तो ये ना खेलेंगे। चलो गाइस थोड़ा सा गेम में बात करते गाइस। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट पहले तो हमें बहुत डाउट था कि लाइक ये ग्लिच वाले बंदे हैं कि नहीं, तो हमने गाड़ी घुमाया बट एंड में इन्हें मार ही दिया, और यहाँ से इनकी पेटी में से भी लूट आराम से लूट लेते गाइस। अब यहाँ हम लूटते थे, इतने में यहाँ पर एक और यूएस आ जाती है, और जैसे गाइस मुझे कन्फर्म हो जाते कि भाई ये ग्लिच नहीं, ये बंदा फायर दे रहा है, तो एक बंदे को तो गाइस मैं गाड़ी से उतार देता हूँ आराम से एकदम इजीली, और जो सेकंड बंदा होता है गाइस उससे हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं, बिकॉज हमें पता था कि वो बहुत डैमेज होगा। बट इतने में गाइस हमारे डेडशॉट भाई का एक ओपी नेड और उसका हो गया बूम बम है ये भाई। और भाई वहां से हम अपनी लूट पिट कंप्लीट करके गाइस हम ड्रॉप पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा ड्रॉप गन लिया जाए, और ड्रॉप पे बंदे ले आएंगे तो उन्हें भी एकदम इजीली मारेंगे हम। बट गाइस आप देखना ये वाला जो हम यहाँ पर जो ड्रॉप लूटने आए हैं, ये हमारा फिफ्थ जोन तक गाइस हम यहीं से रहने वाले हैं, बिकॉज अभी आप देखना गाइस जैसे हम ड्रॉप पे आते हैं यहाँ पर सामने एक डुओ ने हमारे लिए कैंप कर लिया था। अब गाइस यहाँ पर मैं एक भी पार्ट मिस करने वाला नहीं हूँ, लाइक मैं आपको बताऊँ कि वॉल्स विल के थ्रू आप कैसे बंदों पर पुश कर सकते हो इजिली एकदम। अभी आप देखो गाइस हम वॉल बना के इनके क्लोज में आते, ये बंदा बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर बार फ्री फायर ने मुझे अच्छा डैमेज दे रहा था। अब गाइस मैं यहाँ पर इस पे नेड्स वगैरह भी ट्राई करता हूँ, बट बाय मिस्टेकली ये बच जाता है, इसका लक अच्छा होता है और हमारा नेट थोड़ा सा खराब होता है इसीलिए। बट गाइस यहाँ पर इन बंदों से गलती जाती है, लाइक इसका एक बंदा एक्सट्रीम राइट होता है और एक बंदा एक्सट्रीम लेफ्ट, तो हम लोग डिसाइड करते गाइस जो लेफ्ट वाला बंदा है इस पे पुश किया जाए और इसकी फटाफट बनाई जाए पेटी, तो हम दोनों गाइस फटाफट इस लेफ्ट वाले बंदे पे कर देते हैं पुश। अब गाइस जैसे हमें कंफ्यूज होता है कि भाई अब लेफ्ट वाला अकेला है, तो चलो अब इस पे घुस जाया जाए, और इस बंदे को तो गाइस हम एकदम इजीली गिरा देते हैं, इस बंदे के लिए खराब लगा। अब वो एक लास्ट बंदा था गाइस, तो हम थोड़ा सा हील वील कर लेते ताकि उस बंदे की भी पेटी हम बाद में बनाएंगे एकदम आराम से। अ
अभी अगर इसमें थोड़ा सा प्री फायर वगैरह देता हूँ बिकॉज ये सामने वाला बंदा थोड़ा अच्छा होता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नेड्स वगैरह भी ट्राई करता हूँ, बट ये बंदा अच्छा होता है कि लाइक ये जैसे ही वॉल बनाता है उसके थोड़ा पीछे चला जाता है तो हमारे नेड्स वगैरह भी काम नहीं आते। इतने में गाइस राइट से मुझे एक बंदा पट से हेडशॉट देता है और उसी बंदे को पीछे से एक और बंदा ऑम से इसका किल ले लेता है तो मुझे इसका किल लग जाता है। बिकॉज गाइस अब यहाँ पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्टी होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट से एक और गाड़ी आ गई तो मैं इतने में डेडशॉट को बोलता हूँ डेडशॉट भाई तुम फटाफट हमें रिवाइव दो और इन्हें लड़ने दो और डेडशॉट हमें यहाँ पर फटाफट रिवाइव दे देता है गाइस। अब गाइस यहाँ पर बहुत रिस्क था, लाइक हम बहुत ओपन में थे, हमारे बोलो तो चारों तरफ बंदे थे, घर कंपाउंड पे भी, राइट साइड में वॉल्स पे भी और लेफ्ट वाले में भी वॉल्स पे बंदे थे। तो हम डिसाइड करते कि चलो भाई धीरे धीरे सबको क्लियर किया जाए वरना एंड में बहुत हमें निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। कितने गाइस मुझे राइट से भी पड़ जाती है और हमारे डेडशॉट भाई को एक बंदा एकदम प्यारा सा हेडशॉट देता है और वो नॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि तो डेट को फटाफट रिवाइव दिया जाए। अब गाइस मैं यहाँ पर रिवाइव देता हूँ क्या होता है कि एक बंदा लेफ्ट से पुश कर देता है कर दिया उसने लेफ्ट साइड और इस बंदे को गाइस मैं एकदम इजीली गिरा देता हूँ। और यहाँ पर गाइस मैं इसे फटाफट फिनिश भी करती हूँ ताकि इसका सेकंड बंदा ना आए। और यहाँ पर गाइस मेरे पास हील नहीं होता तो मैं फटाफट डेड शॉट को बोलता हूँ कि डेड शॉट पहले तो हील गिरा वरना हमारी पेटी यहीं बनने वाली है। और ये बंदा गाइस हमारे सामने आ जाता है तो मैं फटाफट से कवर बना देता हूँ और फटाफट हील कर लेता हूँ। इतने में इस बंदे का नेट आ जाता है बट ये बंदे का नेट थोड़ा सा पीछे आ जाता है। यहाँ पर मैं एक और कवर बना देता हूँ और अपने आपको पूरा कवर में कर लेता हूँ और डेडशॉट को बोलता हूँ डेडशॉट भाई तुम फटाफट आओ हमारे पास हम तुम्हें रिवाइव करें। अब लकीली गाइस यहाँ पर वो बंदा हम पे पुश नहीं करता है स्टार्टिंग में बट पूरे टाइम बाद ये हम पे पुश कर देता है लाइक अभी। और यहाँ पर हमारे जो डेडशॉट भाई है ये हमारा किल हमसे चुरा लेते हैं। बड़ा खराब लगा बट कोई ना, ये टीम में अच्छा है, फायर दो कभी भी दो, किल जाए बट जान न जाए गाइस। अब गाइस यहाँ पर हमारे सामने एक और डुओ था जो हमारे सामने ही था, अब हमें इन पे भी मारना था और इन पे पुश करना था तो मैं ट्राई करता हूँ कि चलो फटाफट वॉल के थ्रू इनका क्लोजिंग किया जाए और इनकी भी पेटी में पेटी बनाई जाए फटाफट। कितने में गंदा गाइस एक मॉली कर देता और मॉली परफेक्ट था। और यहाँ पर गाइस मुझे वो बंदा राइट वाले राइट से थोड़ा सा दिख जाता है उसका बॉडी का पार्ट तो मैं वहां पर एक नेड कर देता हूँ और लकली ये बंदा हमसे एकदम इजीली नॉक हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई अब कर दिया जाए पुश। अब यहाँ गाइस ये बंदा मुझे लगता है कि इसके बंदे को डेडशॉट ने मार दिया तो मैं एकदम अंधा जा रहा था बट देखता हूँ कि पीछे हमारा बंदा है तो इसे भी एकदम इजीली मार देंगे गाइस हम अपने ड्रॉप शॉट के साथ। और यहाँ पर गाइस हमें लगता है कि भाई अब यहाँ पर क्लियर है, भाई हमने यहाँ पर बहुत बंदे मार लिए बट यहाँ पर गाइस अभी एक सरप्राइज मिलने वाला है मुझे, अब देखना। अभी मुझे ओपन में एक बंदा दिख जाता है यहाँ पर तो इस बंदे को तो गाइस मैं एकदम पटक से नॉक करता हूँ और फिनिश का भी ट्राई करता हूँ बट सोचता हूँ कि चलो सेकंड बंदा देखा जाए। कितने में ये बंदा हमें पिक करता है और हम इसे ड्रॉप शॉट देके इजीली मार देते हैं। और फटाफट गाइस मैं रूम में आता हूँ और फटाफट हील वगैरह करता हूँ और यहाँ पर हम एक ड्रॉप मंगा लेते हैं तो ड्रॉप से मुझे ग्रोजा मिल जाती है। अब गाइस लास्ट तीन बंदे बचे थे तो हम सोचते हैं कि चलो भाई टाइम पास न किया जाए फटाफट इन बंदों को ढूंढते हैं और इनकी पेटी बनाई जाए। कितने में हमारे डेडशॉट भैया बोलते हैं कि यहाँ पर यूएस में जो दो बंदे हैं वो ग्लिच करके बैठे हुए हैं आराम से तो मैं यहाँ पर शेक में आता हूँ और बोलता हूँ कि चलो नेट वगैरह किया जाए। अब यहाँ पर हम गाइस इस पे नेट ट्राई करते हैं बट हम दोनों साथ में नेट को कुक करते हैं तो थोड़ा सा मिस हो जाता है तो मैं बोलता हूँ डेडशॉट भाई तुम कर लो पहले। और यहाँ पर डेडशॉट भाई पहला नेट करते हैं पर उनका नेट में मिस हो जाता है और उस बंदे का नेट एकदम परफेक्ट था और मेरा भी नेट यहाँ पर परफेक्ट था गाइस तो दोनों के एक एक बंदे नॉक थे बट मैं बहुत दो था गाइस तो मैं बोलता हूँ डेडशॉट भाई तुम रुको हम पहले हील कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस वो बंदा सामने आता तो मैं ट्राई करता हूँ कि चलो भाई डेडशॉट भाई तुम थोड़ा सा रुक जाओ तुम्हारा ब्लीड होगा नहीं तो मैं एक नेट ट्राई कर लेता हूँ ताकि बंदे का किल मिल जाए बट ये नेट गाइस थोड़ा सा मिस हो जाता है हमसे तो हम जस्ट डेडशॉट को फटाफट यहाँ पर रिवाइव कर देते हैं। अब यहाँ गाइस वो बंदे भी हम पे नेट्स वगैरह करते हैं तो मैं वॉल्स बनाता हूँ और मैं भी ट्राई करता हूँ नेट्स ताकि कुछ हो सके। अब गाइस मुझे पता था कि ये बंदे हम पे तो पुश करेंगे नहीं और ये ऑब्वियसली पीछे जाने का ट्राई करेंगे तो मैं फटाफट ट्राई करता हूँ कि चलो भाई हम ही इन पे पुश करते हैं बिकॉज हमें किल्स वगैरह भी चाहिए थे और ड्रोन भी हम पे था नहीं, हमसे थोड़ा सा आगे था। अब यहाँ पर गाइस नेट्स वगैरह मारते हैं तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ
अब जेटशॉट का जैसे ही नेट चला जाता है तो मैं बोलता हूँ कि चलो भाई अब क्लोज इन किया जाए। अब वो बंदा गाइस सामने वाले वॉल पे दिखता है तो मैं फटाक से मॉली कर देता ताकि उसमें थोड़ा सा डैमेज वगैरह पड़े, बट वो बंदा गाइस पीछे चला जाता है। अब गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बंदा है वो वॉल के पीछे था एक बंदा, और सेकंड बंदा मुझे आइडिया नहीं था, और मैं यहाँ पर आता हूँ कि इतने में एक भाई यहाँ पर सोए हुए थे साफ। तो यहाँ पर हमारे डेडशॉट भाई ने एक बंदे को तो नॉक कर दिया। अब मैं डेडशॉट को बोलते हैं डेडशॉट भाई इन्हें मारो वरना हमारी पेटी कंफर्म बनने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ गाइस डेडशॉट मुझे रिवाइव दे रहा था तो मैं उसे मना कर देता हूँ कि डेडशॉट भाई तुम्हें मारना पड़ेगा, रिवाइव बाद में देना आप। और इतने में गाइस हमारे डेडशॉट भाई इस सेकंड बंदे को भी मार देते तो यहाँ पर वो 1v2 क्लच कर जाते एकदम इजीली। और यहाँ पर गाइस मुझे फटाफट रिवाइव भी मिल जाता है डेडशॉट से। अब गाइस यहाँ से रिवाइव लेके अपनी हिल्स कवर करके मैं हम आखिरी बंदे को ढूंढते हैं, कितने में ये बंदा हमें स्पॉट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे फायर लेता है। तो फटाफट हम वॉल्स बनाते हैं और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं चलो थोड़ा फन में इसके साथ पैन किया जाए। और यहाँ पर इतने में गाइस ये बंदा बहुत शाना होता है, यहाँ पे नेट्स वगैरह ट्राई करता है बट हम फटाफट आगे वॉल्स के थ्रू आगे आते हैं इनके इसके क्लोज में। अब गाइस आप देखना यहाँ पर मैं पैन के थ्रू मारने ही जाने वाला था बट मेरे से रहा नहीं गया बिकॉज उस बंदे ने मुझे बहुत डैमेज दे दिया था, तो इसे हम एकदम इजीली मार देंगे। अभी आप देखना यहाँ मेरे से गाइस सिंगल टैप से थोड़ा डैमेज दिया ताकि मैं इसे पैन से मार सकूं बाद में, बट इसने मुझे बहुत डैमेज दिया था और मुझे लगा कि भाई ये मुझे खा जाएगा तो मैं फटाक से इसे M4 से मार देता हूँ। और यहाँ पर गाइस हमें एकदम इजीली चिकन मिल जाता है गाइस। और इस मैच में गाइस मेरे अच्छे खासे किल्स भी हो गए थे, लाइक हमारे 11 किल्स हो गए थे गाइस। और इस मैच में गाइस मुझे मिल गया था अराउंड 34 प्लस गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक ले गाइस टाटा बाय बाय।